सलमान जी ने मेरी मम्मी का पूरा ऑपरेशन करवाया और हिना खान ने मेरा गाना डाला, देखा आप लोगों ने? अच्छा रवि आया, रवि कितना हुआ? 9 मिलियन हो गया। अभी आप टीम से बाहर निकलोगे 10 मिलियन हो गए। 100 मिलियन मेरा गाने कितना मिलेगा मैम? लुक यार, राखी मैम, राखी मैम, 9 मिलियन होगा। 9.2 तो 10 कब होगा? अभी आप जिम से निकल जाएंगे, संडे के पहले आज हो जाएगा। अरे दोस्त लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम लोग के लिए रोज इतना तैयार हो के आती हूँ। आज इनको बना दो मेरे दोस्तों, मेरे वो बढ़ा दो ना, क्या 10 मिलियन कर दो ना, हो जाएंगे। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे फॉलोअर्स चाहिए मुझे। संडे तक हो जाएगा? हाँ संडे तक हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन तो हाँ, 10 मिलियन पता नहीं संडे को। पर मैम जैस्मिन से तो आपका सॉन्ग हिट हो गया ना, तो आप टेंशन क्यों ले रहे? पूरा हिट है आपका, कुछ बोलेंगे? मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करती हूँ, मैं एकदम डाउन टू अर्थ हूँ और मेरा सॉन्ग सबको पसंद आता है। मैं बस सिलेक्टेड काम करती हूँ, ऐसा नहीं है मेरा कि मैं पैसों के लिए कोई भी गाना कर लूँ फिर वो आके चला जाता है। सही बात है, ऐसा नहीं, पैसे तो चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो अभी गाने का हिट हो गया आपका, कुछ और भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं गाने का आपका कुछ? मुझे इतना पता है मैं गाना कैसा भी उठा लूँगी, आप लोग हिट कर दो। हाँ मुझे पता है, वैसे आप लोगों ने ये गाना हिट किया है, बट मुझे मैंने सुना है कि 5-6 मिलियन होने के इंस्टाग्राम पे होने के बाद ही ऐड मिलती है, और मैं 5-6 मिलियन कहाँ से लाऊंगी? 6 तो ऑलरेडी हो चुका है, सब आ जाएंगे। 6 नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पे सिर्फ मेरे इंस्टा पे तो सिर्फ 1.2 मिलियन ही है। हो जाएंगे। तो ऐसा क्या करें, क्या कर सकते हैं? मेरा तो बाबा रियल है, राखी सावन 2511। सब लोग एकदम मुझे फॉलो करो और जल्द से जल्द मेरे मिलियंस में मिलियंस करो। तो मुझे ऐसा सुना है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलियंस होते हैं इंस्टा पे, तो ढेर सारी ऐड मिलती है। बोलते हैं सब लोग, बोलते हैं डीएम रोज चेक करा करो। अब मैं सोचू कौन सा डीएम, मुझे कोई सीएम का भाई कोई डीएम होगा, मुझे नहीं पता डीएम क्या होता है। पर आपको किस तरह का ऐड चाहिए? बाद में पता चला इंस्टाग्राम में जाओ और फिर उसको ऐसा एक एरो होता है, उसको टच करो। तो मैंने टच किया तो इतने सारे, आपको पता है मैंने आज मेरे इंस्टाग्राम पे एक मेरी न्यूजीलैंड से फैन है, उसने बिस्किट पे मेरा नाम लिखवाया। बताओ क्या? बिस्किट पे मेरा नाम लिखवाया और फिर मैंने वो ढूंढ के निकाला डीएम से। ये देखो और सब लोग अभी केक पे कॉस्ट्यूम पे नाम लिखवा रहे, सिर्फ कच्छों पे मत लिखवाना मेरा नाम। प्लीज कच्छों पे मत। राखी जी आपको ऐड किस तरह का चाहिए, बताए नहीं आप? ऐड किस तरह का चाहिए? ऐसा कुछ नहीं, घर में बैठ के, अभी लॉकडाउन में इतना शूटिंग भी खुला नहीं है। नहीं शूटिंग चालू हो गया, मेरा नहीं चालू हुआ ना, रवि को पता है सब, शूटिंग चालू हो गया। घर में बैठ के सब लोग ऐड कमा रहे हैं ना, अभी घर में बैठ के पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना। मम्मी मेरी अभी हॉस्पिटल से मैं लेकर आई, सुबह 8 बजे मम्मी को लेके जाना पड़ता है ना। नहीं नहीं फिल्म सिटी से सब चालू हो गया, प्रिया दत्त जी ने मेरी मम्मी को कराया ना हॉस्पिटल में, सलमान जी ने मेरी मम्मी का पूरा ऑपरेशन करवाया और प्रिया दत्त जी ने मेरी मम्मी को वो करवा रही है रेडिएशन 40 दिन का। तो पहले तो माँ को बचाना है ना भाई, दूसरा तो सब चलते रहेगा। और हिना खान ने मेरा गाना डाला, देखा आप लोगों ने? देखा? मैं बताऊँ? नहीं देखा आप लोगों ने? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने स्टोरी देखा डाला?
हाँ देखा था क्या? देखो हिना खान ने मेरा गाना देखा। हिना खान, थैंक यू हिना खान। अरे स्टोरी देख लो ना, हाँ मेरी स्टोरी देख लो ना, अभी बढ़ा लो एक। हाँ मैं मेरे सारे फैंस के, ये देखो मेरे सारे फैंस के डांस मैं डालती हूँ अपने इंस्टा पे। वो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना गेटअप लेके डांस कर रहे हैं। आई रिस्पेक्ट माई ऑल फैंस और सब सेलिब्रिटीज ने मेरा गाना भी डाला हुआ है। थैंक यू हिना खान, गॉड ब्लेस यू, लव यू, यू आर स्ट्रांग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। क्यों निकाला? वैसलिन नहीं, वैसलिन लिया क्या? वैसलिन बोल रही, वैसलिन लिया क्या? वैक्सीन ले ले ले, मेरा गाना हिट करो आप। पहले गाना देखने का तो अभी इतना कॉल कर रही है। राखी जी बस करिए, राखी जी बस। ओके ओके, फाइनली मैम आपका गाना बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया एंड मेरी बैंड सब लोग बहुत अच्छा लगा। मेकअप का हाँ थैंक यू। अरे हाँ 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 जी, जाइए आप जी। मुझे मुझसे अपने ब्लॉगर और मराठी में मुझे टॉप करना। ए तू चुप रे, भाई तो अड्डा हो गया अभी तो मेरा। मैं तो मेरा जिम में जो रोज जिम में जाने का, जिम जाते लगता अभी जिम छोड़ना पड़ेगा मुझे। राखी जी इधर देखिए, मैम इधर, मैंने इधर। थैंक यू, ओके थैंक यू।